जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा खास आपके लिए होने वाला है। आप सभी को पता है कांस्टेबल के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिकल भी स्टार्ट कर चुके हैं, आप कई सारे बच्चों के कहीं डाउट है। आज ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम कई सारे फिजिकल को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो और अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा कंटिन्यू 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, जो कि हर जगह हो रही है और इस कारण से बच्चे फिजिकल नहीं कर पा रहे, बच्चों को फिजिकल नहीं हो पा रहा है। अगर रनिंग हो रही है तो शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। आपने देखा 12 तारीख के दिन आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ और आपको 15 तारीख के दिन आंसर की मिल गई, मतलब आपकी जो प्रोसेस है काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर चल रही है। और जैसा आपको बोला गया है मिड अक्टूबर या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि नवंबर 1 से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा और 100% ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर एंड तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1 तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर है। जिस हिसाब से आपको पता है 2-3 जगह आपके पेपर भी कैंसिल हुए थे जो कि 18-19 सितंबर में रखे गए, उसके पहले ही आपको आंसर की मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस आपकी बहुत ज्यादा फास्ट यहाँ पर चल रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो सबसे पहली चीज उन स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। आप लोग अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं या ऐसा कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप लोग खुद से कर दें, जब रिजल्ट आता है उसके बाद आप लोग कहीं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पर रिजल्ट आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा जितना टाइम अभी आपके पास में है। हालांकि अभी भी इतना टाइम आपके पास में नहीं है क्योंकि उस हिसाब से फिजिकल नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से फिजिकल होना चाहिए, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है और अभी और कंटिन्यू बारिश होने वाली है। तो उसके चलते अगर ऐसा चलता रहा तो फिजिकल उतने अच्छे से बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से फिजिकल होना चाहिए। तो पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपका डाउट है या आपको नंबर है ऐसे नंबर जिन पर फिजिकल आपको करना चाहिए, तो आप लोग रिस्क लें थोड़ा सा और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। कहीं नहीं जा पा रहे तो खुद से आप कर दें, अगर डाउट है रिजल्ट के बाद आप लोग कहीं ना कहीं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, अब बच्चों के मन में ये आपको पता है इस ऐसे मौसम में कहीं भी ग्राउंड स्टार्ट नहीं रहता है, ग्राउंड चालू नहीं रहता है। आप किसी भी ग्राउंड पर अगर आप लोग जाएंगे तो सभी जगह पानी भरा हुआ है क्योंकि पानी इतना तेज गिर रहा है, पानी इतना ज्यादा गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड के चलते बच्चे फिजिकल नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप रोड पर बिल्कुल बेहतर तरीके से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा शूज अगर आपके पास में है तो रोड पर भी आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग अगर रुके रहेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहां पर होने वाली है। तो ये डाउट मन से निकाल दे कि रोड पर दौड़ेंगे पैर दर्द होंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है हो, बाकी आप लोग अगर शूज अच्छे वाले यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी डाइट अच्छी रहेगी, प्रॉपर स्ट्रेचिंग आप लोग करेंगे तो आप लोग वहां पर भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग के पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है, बॉडी को हीट करना है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। जब लास्ट टाइम आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है और प्रॉपर तरीके से बॉडी को कूल डाउन करके आप लोग अगर ऐसे वर्कआउट करेंगे तो 100% श्योरिटी आप रोड पर भी आराम से अपने वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि यार रोड पर हम रनिंग नहीं करेंगे, बारिश निकल जाएगी उसके बाद वर्कआउट करेंगे, तो उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बारिश हो सकता है कंटिन्यू चालू रहे। और अगर अभी भी बारिश एक दो दिन में अगर बंद होती है तो ग्राउंड 15-20 दिन तक स्टार्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है। बहुत ज्यादा कोशिश होती है आप ग्राउंड पर रनिंग की जाए, बाकी आपको पता है पानी कंटिन्यू अभी गिर रहा है, उसके चलते रोड पर आपको वर्कआउट कराया जाता है। पर उस चीज में अगर आपको प्रॉपर सारी चीजें हो रही है तो आप लोग वहां पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। शूज का विशेषकर ध्यान रखें, अगर जूते अगर आपके पास में अच्छे हैं तो आप रोड पर भी बिना हिचकिचाहट के वर्कआउट कर सकते हैं। किसी की बातों में आपको नहीं आना है कि रोड पर ये पेन होगा वो पेन होगा, अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे, सारी चीजें अगर आप लोग करेंगे तो रोड पर भी आप लोग अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। ये सारा फिजिकल का जो खेल चलता है ये मेंटली है, आप दिमाग से जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ यहाँ पर होता जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग रहे और जहां पर जैसे वर्कआउट होता है वहां पर आप लोग वर्कआउट करें, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हल्की फुल्की बारिश भी होती है तो उसके अंदर भी आप लोग कंटिन्यू वर्कआउट करें, नहीं तो रिजल्ट जब आप आएगा फिजिकल में आपका तो उस टाइम अगर आप लोग देखेंगे 30-40 नंबर से ज्यादा आप लोग नंबर नहीं ला पाएंगे, यही रेशियो आने वाला है। अगर ऐसे फिजिकल चलता रहा तो 40-50 नंबर ऊपर पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसी भी कंडीशन है आपके साथ में उसी कंडीशन में फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें, ताकि आप लोग जब तक आगे जब पहुंचेंगे रिजल्ट आपका आएगा तो हो सकता है उस टाइम तक आप लोग अच्छे से फिजिकल को कर ऑफ कर ले और अच्छा नंबर आप लोग स्कोर कर सके। तो
तो ये सारी चीजें दिमाग से आप हटा दें कि रोड पर, ग्राउंड पर, कहीं भी जैसे हो सकता है, आपसे रोड पर हो सकता है, ग्राउंड पर हो सकता है, बारिश में हो सकता है, जैसे भी हो, आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। जो इवेंट आप लोग कर सकते हैं उसमें हर एक इवेंट का अपना टारगेट बना लें कि आप लोग किस इवेंट में कितने नंबर ला सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा हो सकता है कि 30 नंबर रनिंग के अंदर, 30 नंबर 20 नंबर शॉर्ट पुट के अंदर, या 20 नंबर लॉन्ग जंप, तो ऐसे करके आप लोग 60-70 नंबर का अपना टारगेट बना लें, क्योंकि मैक्सिमम 60-70 नंबर आपको, 70 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेंगे, तब जाके आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। और अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है कि आप फिजिकल में कम स्कोर कर पाए, आप नहीं, सभी लोग फिजिकल में कम स्कोर कर पाएंगे, तो हो सकता है आपका जो फिजिकल का कट ऑफ कम जाए। तो आपको पता है दोनों जगह आपको एफर्ट लगाना था, आपने रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट देख लिया, आपको नंबर पता चल चुके हैं, वहां पर आपने पूरा एफर्ट लगाया, तो ऐसे ही आपको फिजिकल में एफर्ट लगाना है और अच्छा स्कोर आपको यहाँ पर करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा आपको बता रहा है, ये सारी चीजों को आपको साइड में रखकर आप लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए, वो आपको करना है। अगर आप लोग दूसरों की बातों को सुनकर रहेंगे तो आप लोग फिजिकल में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना नंबर आपको वहां पर चाहिए। इसलिए सबकी बात आप सुनिए, पर आप जो कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर करना है। दो तीन चीजें हैं मैंने आपको बताया। अगर आपका शूज अच्छा है तो आप लोग रोड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डामर वाले रोड पर अगर आप दौड़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस मौसम में आपको रोड का यूज करना ही पड़ेगा। आप लोग सोचे ग्राउंड पर, तो ग्राउंड गीला है और उसमें आप दौड़ नहीं पाएंगे, उससे अच्छे से आपको वर्कआउट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके आपका वर्कआउट स्टार्ट करना है, उसके बाद कूल डाउन करके अच्छे से स्ट्रेचिंग करके आपको वर्कआउट फिनिश करना है। पर डे अपना अलग अलग शेड्यूल बना लीजिए, आपको कैसे क्या वर्कआउट करना है, कैसे स्पीड लगाना है, कैसे एंड्योरेंस लगाना है, कैसे लॉन्ग वर्कआउट करना है, सारी चीजें प्रॉपर, लेग वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट, शोल्डर, हर एक चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपका एक शेड्यूल बना लीजिए, आप लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, सुबह में आपको क्या करना है, शाम को आपको क्या करना है, शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस कब करना है, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कब करना है। अगर आप लोग अभी लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट पुट और रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। रनिंग की अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो आप लॉन्ग जंप का तो आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो चीजें चल रही है आपके साथ में चलने दें, और बट साथ में आपको फिजिकल की तैयारी भी करते रहना है। फिजिकल आपको नहीं रोकना है, तो बस लगे रहना है। आप रोड पर, ग्राउंड पर, जैसे हो, खुद से, कोचिंग सेंटर से, जहां पर आप लोग जुड़े हो वहां पर। और मैंने आपको पहले बोला, अभी भी आपके पास में इतना टाइम है, आप लोग कहीं पर भी जाके ज्वाइन करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो ऐसी जगह पर जाएं जहां पर प्रॉपर वर्कआउट हो। थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बच के रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ में आप लोग जाएंगे उतने अच्छे से आप लोग वहां पर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे से आप लोग फिजिकल को कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह पर जाएं जहां पर थोड़ी सी भीड़ कम हो और अच्छे से आपको प्रॉपर वहां पर वर्कआउट दिया जा सके, आप लोग अच्छा इंप्रूवमेंट कर सके। दूसरी चीजें, कई सारे बच्चे ऐसे डाउट में, सर फिजिकल के लिए ज्वाइन करना है, तो आप लोग अगर फिजिकल के लिए हमारे पास आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। 3,000 रुपये हमारा फिजिकल का फीस है टोटल, जिसमें आपको जब तक आपका फिजिकल नहीं होगा तब तक के लिए आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। और 5,000 रुपये हॉस्टल का फीस में, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सुबह का नाश्ता और दोनों टाइम का खाना आपका इंक्लूड रहेगा। तो ये हमारे यहाँ की प्रोसेस है, आप लोग आइए, देखिए, वर्कआउट करके देखिए। एक दो दिन आप वर्कआउट करेंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, हमारे साथ करना है या और कहीं जा, जहां पर भी आपको जाना है, जहां पर भी आप लोगों को करना है, आप लोग बिल्कुल जाइए और अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, अपने फिजिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपने जो मेहनत की है एग्जाम के अंदर, वो मेहनत आपको बेकार नहीं करना, आपको फिजिकल में अच्छे से फोकस करना है। आपके पास अभी से अगर आप लोग एड करेंगे जिस हिसाब से जो प्रोसेस चल रही है, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने आपके पास मैक्सिमम बचे हुए हैं जहां पर आप लोगों को फिजिकल कवर करना है, और इसमें से कम 15 दिन आपके बारिश में चले जाएंगे। तो ऐसे करके लगभग लगभग फिक्स अगर हम मानेंगे तो 1 महीना आपके पास में, और उस 1 महीने में आपको फिजिकल बहुत ही अच्छे से तैयार यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। मेरिट में अगर आप लोगों को पहुंचना है तो आप लोगों को फिजिकल में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट ऐसे आपको पता है जिनका फिजिकल पहले से अच्छा है, जो पहले से कर रहे हैं और कंटिन्यू वापिस करने लग गए, तो उनका फिजिकल, जो फिजिकल नहीं कर रहे उन बच्चों से काफी ज्यादा अच्छा है, तो उस कंडीशन में वो अच्छे नंबर यहाँ पर स्कोर कर लेंगे। क्योंकि आपको पहले बताया था आपके एग्जाम में 80 नंबर, और अगर फिजिकल में आप 40 पर रुक गए तो ये दिक्कत आपके लिए यहाँ पर होने वाला। और किसी बच्चे के एग्जाम में अगर 70 नंबर है, 60 नंबर, 65 नंबर और उसका सिलेक्शन होता है और वो फिजिकल में 80 नंबर मार देता है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये कंडीशन आपके साथ में भी हो सकती है, इसलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और कुछ ना कुछ सारी चीजें आपको साइड में रखकर आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपने मेहनत के बारे में सोचना है। बस करते रहिए, जहां पर भी हो, आपसे रोड पर हो, ग्राउंड पर हो, खुद से हो, कोचिंग सेंटर, जहां पर भी आपको जाना है, बिल्कुल
निश्चिंत होकर जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे वर्दी में और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।